लगातार कच्ची शराब पर शिकंजा कसने के लिए एसएसपी शलभ माथुर के निर्देश पर गोरखपुर पुलिस हरकत में आ गई है। इसी के अंतर्गत रविवार को फॉरवर्ड बांध पर राजघाट पुलिस ने दबिश देकर छापा मारा, जिसमें 100 लीटर से भी ज्यादा कच्ची शराब और 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। राजगढ़ थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हावड़ बांध पर रविवार को छापा मारा, जिसमें कच्ची शराब के साथ कई अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। दारू है वो देखा बढ़िया फोट निकल रहे हो आइए साहब क्या बात डंडा लेके आवा यार, डंडा से मिली और कहाँ और ही रखते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में राजघाट थाना क्षेत्र प्राय शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे हरबर बंधे पे और अमृतानी एक क्षेत्र है, वहाँ पे कच्ची दारू बनती है और बड़े पैमाने पर उसका विक्रय किया जाता है। उनके निर्देश के अनुपालन में लगातार 3 दिन से छापेमारी चल रही है और बड़ी मात्रा में दारू कच्ची दारू बरामद की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में आज 150 लीटर दारू बरामद हुई है और 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए। आगे भी क्या इस तरह के ये लगातार जब तक उनकी कमर नहीं तोड़ दी जाएगी तब तक की कार्रवाई चल रही है।